केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले केदारनाथ मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली गोरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। आज दोपहर को डोली केदारनाथ पहुंचेगी और मंदिर के भंडार गृह में विश्राम करेगी। शुक्रवार सुबह अक्षय तृतीया के पावन मौके पर सुबह 7:15 पर बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे। और उधर यमुनोत्री धाम की अगर यात्रियों की बात करें तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पंजीकरण करा रहे हैं। इस बार चार धाम यात्रा को लेकर उनमें काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और आप ये तस्वीरें देख के भी समझ सकते हैं कि कैसे रंग बिरंगे फूलों से पूरे धाम को सजाया जा रहा है। तो शुक्रवार को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, उससे पहले पूरे धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया, श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में यहां आने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, इस बार केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, जैसा पंजीकरण की संख्या देखें तो उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। जी देखिए, केदारनाथ धाम ही नहीं पूरी यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह है। इसके दो बड़े कारण हैं। इस बार एक तो यात्रा का समय बीते वर्ष की तुलना में करीब 20 दिन कम मिला है। 20 लाख के करीब पंजीकरण ऑनलाइन हो चुके हैं और ऑफलाइन काउंटर्स जो खोले गए हैं हरिद्वार ऋषिकेश में, वहाँ स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। लोग बेहोश हो रहे हैं, पर्यटन विभाग के इंतजाम नाकाफी या यूं कहें बदइंतजामी है। हरिद्वार में जिला प्रशासन विशेषकर पुलिस को स्थिति ठीक करनी पड़ी, तब रजिस्ट्रेशन की स्थिति सुधरी है। हर व्यक्ति बाबा केदार, बाबा बद्री, माँ गंगा, माँ यमुना के दर्शन करना चाहता है। यात्रा का समय कम है, हालांकि राज्य सरकार के मुखिया लगातार चार धाम यात्रा को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। अभी कल वो रुद्रप्रयाग जिले में भी बैठक करके आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील भी कल की है जब वो न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत कर रहे थे कि जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं वो कृपया यात्रा के जो प्रोटोकॉल है उसका जरूर पालन करें, क्योंकि प्लेन्स में जहां 42-43 डिग्री तापमान है वहीं पहाड़ों में 6 डिग्री और केदारनाथ धाम में रात में माइनस तक भी तापमान जाता है। ऐसे में लापरवाही न बरतें, हल्के कपड़ों में ना आए, मेडिकल चेकअप अपना पूरा रखें, अपनी जरूरी दवाएं अपने साथ रखें, क्योंकि पहाड़ों में कई दफा आपके आवश्यकता अनुसार दवा नहीं मिल पाती है। तो जरूरी जो तैयारी है उसके साथ ही यात्रा पर आएं और सरकार ने यथासंभव हर मदद आम व्यक्ति को देने की कोशिश की है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर चीफ सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है राज्यों को कि कृपया शुरुआत के 15 दिनों में वीवीआईपीज न भेजें। अभी तो देखिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ऑफलाइन भी चल रहे हैं। कल अक्षय तृतीया का पवित्र दिन है जिसे आखातीज भी कहते हैं। कल बाबा केदारनाथ के गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, 12 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और मई मध्य के बाद स्कूलों की जैसे ही छुट्टियां घोषित होती हैं उस वक्त ये यात्रा का जो सीजन है ये पीक पे होगा, ये भीड़ लगभग डबल होगी। पहाड़ों में देखिए सीमित संसाधन है, इसीलिए मुख्यमंत्री भी पूर्व में अपील कर चुके हैं कि यदि आपकी बुकिंग है होटल्स में और आगे जहां जहां भी जैसा भी आपका शेड्यूल है तभी यात्रा प्लान करिए, क्योंकि पहाड़ में मैदानों की तुलना में उतने संसाधन नहीं कि हर चीज आपको इजीली अवेलेबल मिल हो जाए और थोड़ा मौसम का भी अंतर है, लिहाजा परेशानी से बचने के लिए थोड़ा लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। बाकी सरकार पूरी तरह से आम जन की सुरक्षित यात्रा के लिए तत्पर है। ऐसे में सुदीप, चूंकि पिछली बार कुछ खामियां रह गई थी, कुछ कमियां थी, कुछ अव्यवस्थाएं थी यात्रा में, उससे सबक लेते हुए इस बार उसे बेहतर करने की कोशिश हुई है? जी बिल्कुल, बेहतर कोशिश हुई है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग अब पूरी तरह भारत सरकार की IRCTC को दे दी गई है और कई लोग जो हमसे भी संपर्क कर रहे हैं वो हेली की ही मांग कर रहे हैं कि हेली करा दीजिए, परंतु स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है, इसे हम नाजुक ही कहेंगे कि 20 जून तक हेली सारा पैक है, 20 जून के बाद की बुकिंग्स खुल नहीं है, क्योंकि आदमी जो सोनप्रयाग या गुप्त काशी पहुंचता है वो चाहता है कि उसे शॉर्टी मिल जाए हेली की, वो केदारनाथ धाम के दर्शन करके वापस आ जाए, परंतु सीमित संख्या में हेलीकॉप्टर भी हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा के साथ साथ देश में लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं जिसमें कई हेलीकॉप्टर बिजी हैं, इंगेज हैं। चार के बाद वो हेलीकॉप्टर जब फ्री हो जाएंगे तो और अधिक हेलीकॉप्टर अवेलेबल हो जाएंगे जी। और कई ऐसे लोग भी जिन्होंने पूरा हेली बुक कर रखा है जो देहरादून से सीधे सारी यात्रा निपटा के नीचे आएंगे, तो जो लोग यात्रा पर जा रहे हैं उनको सभी उचित तैयारियों का ध्यान रखते हुए यात्रा पर जाने की जरूरत है और सुगम सुरक्षित उनकी यात्रा हो, वो अच्छे से दर्शन कर पाए, इसके लिए सरकार ने पर्याप्त तैयारी की है। बहुत शुक्रिया बीते वर्ष बिल्कुल, सुदीप बिल्कुल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार सरकार ने पहले से बेहतर तैयारियां की हैं। ये चार तस्वीरें आपके सामने, 10 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, उसके बाद यमुनोत्री धाम की बात करें
तो वो भी 10 मई को खुलेंगे, और 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट भी 10 मई को, और बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं वो 12 मई को खुलेंगे, और इसको लेके पूरी तरीके से तैयारियां बेहतर की गई हैं।